नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें जो वेल्थ होती है, यानी कि जो रुपया है, पैसा है, वेल्थ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन से प्लेनेट की वजह से हमारी वेल्थ अच्छी रहती है, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा रहता है, हमारी इनकम अच्छी रहती है, इन सब के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो वेल्थ होती है उसका कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्शन होता है। और टाइम फ्रेम के ऊपर भी बात करेंगे कि जैसे वेल्थ के प्लेनेट के बारे में हमने पता कर लिया तो वो कौन से टाइम में हमें अपना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जो कि हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी कुंडली के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आज देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो देखिए वेल्थ में हमारी डेली इनकम भी आती है, जो डेली की हम इनकम करते हैं, जो हमारी मंथ की सैलरी होती है वो भी इसके अंदर आती है, जो हमारा ईयरली पैकेज है वो भी इसके अंदर आ जाता है, जो हमारा बैंक बैलेंस है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल देखिए वेल्थ की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को होती है। अब अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी अच्छा काम भी करना है, तो वेल्थ की रिक्वायरमेंट तो आपको होगी ही होगी, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिना पैसे के आप नॉर्मल दाल रोटी भी नहीं खरीद सकते। ये ज़िंदगी का सच है कि हमें रुपए पैसे की आवश्यकता तो पूरी ज़िंदगी चलती है। और आपको किसी भी तरह का काम करना है, अगर आपको नई गाड़ी लेनी है, आपको नया घर लेना है, आपको कोई भी और काम करना है, आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना है, नया बिजनेस करना है, कहीं ट्रैवल करना है, सबके लिए वेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, इसके लिए दो हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली में हमारी। तो एक तो होता है हमारे यहाँ पर 11th हाउस, यानी कि जिसे हम हमारा आय का भाव भी कहते हैं। तो जो 11th हाउस होता है वो हमारा गेंस का हाउस होता है, आय का हाउस होता है, जो हमारे लाभ होते हैं उसका हाउस होता है, तो इसे लाभ स्थान कहा जाता है। तो देखिए, जो लाभ स्थान होता है, इसके जो भाव कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अगर हमारे देवगुरु बृहस्पति इसके भाव कारक ग्रह हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की पोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये डिसाइड करने में कि जो आपकी वेल्थ है वो कैसी रहेगी। इसके साथ में जो दूसरा ग्रह होता है हमारा, या दूसरा हाउस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा सेकेंड हाउस। अब जो सेकेंड हाउस होता है हमारा, उसे हम बैंक बैलेंस का हाउस भी कहते हैं। जो हमारा बैंक बैलेंस होता है वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, जो हमारा कुटुंब होता है, परिवार होता है, वो भी सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल जो हम धन अर्जित करते हैं, जो हम जैसे हमारी जो सेविंग्स होती है, वो हम किससे देखते हैं, सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जो सेकेंड हाउस का भाव कारक ग्रह हुआ वो भी कौन हुआ, देवगुरु बृहस्पति हुआ। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देखिए आय भाव का भी स्वामी हो गया और हमारे धन भाव का स्वामी भी हो गया। तो अगर बृहस्पति की कुंडली हमारी में अच्छी है, अगर बृहस्पति की पोजिशन हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर देखिए बृहस्पति हमारी कुंडली में अगर अच्छी पोजिशन में है तो हमें धन की प्राप्ति भी होती है, इनकम भी हमारी अच्छी रहती है और बैंक बैलेंस भी हमारा अच्छा रहता है। अब देखिए बृहस्पति अच्छा कब कब होगा, इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए बृहस्पति अगर हमारे केंद्र भाव में बैठा है, केंद्र यानी कि जो सेंटर के भाव होते हैं हमारे, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस, अगर बृहस्पति इन चार हाउस में बैठा है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ में ये जो हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं, यानी कि फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, तो इसमें भी बृहस्पति होता है, तो इसका प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बृहस्पति अगर 1, 4, 5, 7, 9, 10 इनमें से किसी एक हाउस के अंदर बैठा है तो उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब अगर बृहस्पति के ऊपर कोई पाप प्रभाव आ रहा है, यानी बृहस्पति के ऊपर अगर शनि के साथ बैठे हुए हैं, राहु केतु के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो उनके जो रिजल्ट हैं उसमें थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति, अब देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति भाई 1, 4, 7, 10 में नहीं बैठे हैं या अच्छे घरों में नहीं बैठे हैं तो उनकी कुंडली में उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर लेंगे तो वो भी आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा और धन की आवक आपके अंदर बढ़ जाएगी। उपायों की बात हम लास्ट में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड की बात करते हैं कि जो धन से रिलेटेड आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कौन से पीरियड में देखने को मिलेगी। तो देखिए, जब आपकी कुंडली में बृहस्पति का समय आएगा, अगर बृहस्पति अच्छी पोजिशन में कुंडली में बैठा हुआ है, अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पाप दृष्टि नहीं पड़ रहा है, तो जब भी बृहस्पति की महादशा आएगी या बृहस्पति की अंतरदशा आएगी,
उस समय में हमें देखने को ये मिलेगा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और इसके साथ में जो हमारी इनकम है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और खास तौर से अगर बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है तो ऐसे समय में अगर हम बृहस्पति के उपाय करते हैं तो उन उपायों को करने से बृहस्पति ग्रह के जो फल हैं, बृहस्पति ग्रह के जो रिजल्ट हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में बढ़ा सकते हैं। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं पे भी बैठे हो, जब बृहस्पति की दशा आएगी तो बृहस्पति 11th हाउस और 2nd हाउस यानी कि जो आय का भाव है और बैंक बैलेंस का भाव है उसके फल आपको जरूर देंगे। और अगर आप बृहस्पति के उस समय उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका बैंक बैलेंस भी जरूर बढ़ेगा। अभी डिपेंड करता है कि इनकम नौकरी से बढ़ रही है या आपके बिजनेस से बढ़ रही है, वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। और बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो बिजनेस से हमें बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ देते हैं और बिजनेस से हम धन अच्छा कमाते हैं, बिजनेस से बैंक बैलेंस बनाते हैं। अब बृहस्पति के साथ में अगर शनिदेव भी कुंडली के अंदर मजबूत है तो नौकरी से भी हम बैंक बैलेंस अच्छा कर सकते हैं, नौकरी से भी हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में कि क्या क्या उपाय हमें इस समय करने चाहिए। बृहस्पति अगर कुंडली में हमें मजबूत बनाने हैं, बृहस्पति कुंडली में अगर हमें अच्छे करने हैं, बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ऐसे में हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए बृहस्पति का जो सबसे अच्छा उपाय रहता है वो होता है, देखिए बृहस्पति को पीली वस्तुएं बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं, तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप पीले लड्डुओं का दान कर सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए उनका दान कर सकते हैं। आप पीली और किसी मिठाई का दान, जैसे सोन पापड़ी का दान कर सकते हैं। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप हल्दी का दान कर सकते हैं। तो पीली किसी भी चीज का दान करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बृहस्पति इससे मजबूत होंगे। कहीं पे भी आपकी कुंडली में बैठे हो इससे मजबूती जरूर मिलेगी बृहस्पति को और इसका जो सीधा रिजल्ट है आपकी इनकम में और आपके धन भाव में देखने को आपको मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, आपको 100% फायदा इससे जरूर होगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं बृहस्पति का जो दिन होता है वो बृहस्पतिवार होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन में अगर आप उपवास रखते हैं यानी कि फास्ट रखते हैं तो ये भी बृहस्पति को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। तो अगर आप उपवास करेंगे तो भी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बृहस्पति मजबूत आपके हो जाएंगे। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हम विष्णु लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ के लिए हम लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की आरती कर सकते हैं। इससे भी बृहस्पति देव काफी ज्यादा मजबूत अवस्था में आ जाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आपको कुंडली के अंदर देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई पाप प्रभाव आ रहा है, पाप दृष्टि पड़ रही है, तो उस समय वो उतने अच्छे प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में जब बृहस्पति के ऊपर शनि राहु केतु मंगल इनमें से किसी का प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, या बृहस्पति आपको लग रहा है आपकी कुंडली देख के कि बृहस्पति राहु केतु शनि मंगल किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे में बृहस्पति थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो बृहस्पति का रत्न होता है यानी कि जो बृहस्पति का रत्न होता है येलो सफायर यानी कि पुखराज, अगर आप वो पहनते हैं तो इससे बृहस्पति को काफी बल मिलता है और वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है, बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी पोजिशन में बैठे हुए हैं और बाधक ग्रह नहीं है, योग कारक ग्रह है, तो उस समय अगर आप बृहस्पति का रत्न पहनते हैं यानी कि पुखराज पहनते हैं या फिर येल्लो सफायर पहनते हैं तो आपके लिए बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ाते हैं, तो आप अगर बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ती है। बृहस्पति फीमेल जितने भी लोग होते हैं उनमें मैरिज का और हस्बैंड का कारक होता है, तो अगर किसी फीमेल की अगर मैरिज नहीं हो पा रही है तो उसमें भी बृहस्पति हेल्प करेंगे। तो अगर धन के साथ हम काम कर रहे हैं तो बाकी चीजों में भी हमें बेनिफिट इसका हो जाता है। तो बृहस्पति ग्रह अगर हमने अच्छे कर लिए तो निश्चित तौर पर हमें इसकी हेल्प मिलेगी। अब देखिए एक और फैक्टर के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए अभी हमने बृहस्पति ग्रह की बात करी कि वो भावकारक ग्रह हैं हमारे। अब इसके बाद आपको अपनी सेपरेट कुंडली में देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि आप अपनी कुंडली आपके सामने खोल लीजिए, वहां पर आप देखिए 2nd हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब 2nd हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी आप अगर पूजा करते हैं, उसको अगर आप अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं तो भी आपको बैंक बैलेंस अच्छा मिल सकता है। और इनकम के घर में आपके जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उसकी पूजा करते हैं तो इनकम भी आपकी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बृहस्पति तो करने ही है, वो डिफॉल्ट पूजा में उनकी करनी है, साथ में 2nd हाउस और 11th हाउस को देखना है। भाई अगर 2nd हाउस में आपके मरकरी बैठा हुआ है तो आपको
मरकरी के लिए गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर 11th हाउस में शनिदेव बैठे हैं तो आपको शनिवार को शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए। तो ये अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, आज हमने वेल्थ के ऊपर बात करी कि वेल्थ कुंडली में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जो आज हमने उपाय बताए हैं इससे वेल्थ बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है, इनकम भी बढ़ती है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, ओवरऑल हमारी वेल्थ बढ़ती है। तो अगर आपको किसी उपाय के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। पर्सनली हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए ला सकें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए हम लेकर आ सकें। और अगर आप बृहस्पति का रत्न पहनना चाहते हैं, बृहस्पति का जो भी हमारा घरेलू सफाई है वो पहनना चाहते हैं, आप पुखराज पहनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आपकी कुंडली का अध्ययन करके हम वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।